हम लोग अभी बाहर जाने वाले हैं बाइक देखने के लिए, मीन्स हम लोग बाइक से ही जाने वाले हैं इसके लिए। पैक बता पैक गान फिर बंदी दे रही लौड़े आते ही नहीं पैक तो ज्यादा नहीं आते इससे ज्यादा क्या ये तो दिख भी नहीं रहा। तो अभी निकले हैं बाइक के लिए। यहाँ पे आपको बाइक इजीली मिल जाता है, ओनली ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए आपको, स्कूटी चाहिए, बुलेट चाहिए, जो भी गाड़ी चाहिए सबका अलग अलग प्राइस रहता है, वो इजीली मिल जाता है। हम लोग दूसरे जगह देखने जा रहे हैं बाइक, देखते हैं अलग अलग जगह क्या रहता है। मॉल रोड में हम लोग आए हैं, देखते ये देखिए स्ट्रक्चर थे कितना अमेजिंग बना रहा है, जादू हाथ में लग रहा है इनका, आर्टिस्ट लगता है, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, एकदम फटाफट एकदम ड्राइंग बना देते हैं। मॉल रोड में ऐसा कारनामा बहुत देखने को मिलता है, देख ही सकते हैं आप, अमेजिंग यार, बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत बेहतरीन ड्राइंग बना इनने। हे अमेजिंग ना, बाइक का हो गया हमारा, अब हम लोग जा रहे रूम पे। क्या बोलती है मम्मा, फुल वाइप में वाइप वाला बंदा वहां है। मैंने खुद को अपना बना के कि अपने ही कमीने होते हैं, कमीने होते हैं, कमीने होते हैं। हम लोग अभी सभी रेडी हो रहे हैं, बिकॉज जाना है बाहर, हम लोग को मस्ती करेंगे अभी बाहर जाके, हम लोग सब मतलब बाइक से जा रहे हैं। हम लोग ने 3 बाइक रेंट पे लिए हैं, बुलेट, हिमालयन एंड ड्यूक। हाँ ये लो, चालू वीडियो हो गया, ये तो देखा ब्रांड। मॉल रोड से सिसु 40 किलोमीटर पड़ता है, उसके बीच में सुलांग वैली, रोहतांग एंड बहुत सारे जगह आते हैं। हम लोग हर जगह रुकेंगे, हर जगह विजिट करना, हम लोग को मज़े करना। हम लोग नॉर्मली यहाँ पे ट्रैफिक नहीं रहता है, बट आगे जाते जाएंगे कहीं कहीं पे टर्निंग जहाँ पे रहता है तो ट्रैफिक रहता है, बिकॉज बहुत सारे जगह से अलग अलग स्टेट से आते रहते हैं पब्लिक। बाइक राइडिंग करने में भी बहुत मज़ा आ रहा है, बिकॉज पहाड़ पे चढ़ने में फिर टर्निंग फिर डायरेक्ट नीचे उतरे तो बहुत मज़ा आ रहा है बाइक राइडिंग करने में। ये लोग इतना एक्साइटेड है जाने के लिए कि बाइक भी नहीं रोक रहे। देख सकते हो कितना अमेजिंग व्यू है, बहुत मजा आता है। क्या बोलते हैं पब्लिक, रॉक रॉक मानित बाबा। हम लोग कुछ ही देर में रोहतांग अटल टनल इंटर करने वाले हैं, वो बहुत लंबा है, बहुत लंबा बोले तो 9.2 किलोमीटर का है वो टनल, बहुत लंबा है वो, अभी कुछ ही देर। ये टनल व्यू एकदम सब रॉक बचा रॉक। बहुत ठंडी लग रहा है यहाँ पे, बहुत हवा आ रहा है यहाँ पे सामने से, बहुत ज्यादा ठंडी लगता है यहाँ पे। ये यहाँ पे आप रुकोगे, आप बाइक भी चलाओगे तो बहुत ठंडी लग रही है, गार फाड़ के ठंडी लग रही है। टनल में रुकना अलाउ नहीं है, जरा से भी अलाउ नहीं है, रुकने पे बाहर निकलोगे तो आपको फाइन मारेगा। हम लोग को ठंडी लग रहा था, टनल बहुत ही बड़ा टनल है ये, यहाँ पे जो हमारे साजिद भाई है 128 किलोमीटर पर आवर चला के रिकॉर्ड बना लिया। 9.2 किलोमीटर का ये टनल है, बहुत लंबा टनल है। हम लोग को बहुत ठंडी लग रहा था इसके लिए रुके थे हम लोग, और कपड़ा जो भी था और भी एक्स्ट्रा पहन रहे थे हम लोग, इसके लिए रुके हुए थे बस। तो फाइनली हम लोग टनल क्रॉस कर चुके हैं, व्यू देखो आप, परफेक्ट व्यू, रोहतांग पास करने के बाद देखो व्यू। यहाँ से हम लोग सिसु के लिए निकलेंगे अभी थोड़ा देर बाद, लेकिन यहाँ पे कुछ देर ठहरने वाले हैं हम लोग, व्यू देखने वाले हैं एंड फोटोज वीडियोज जो भी है लेने वाले हम लोग। व्यू देख सकते हो आप, पहाड़ी की वादियाँ, अरे बर्फ ही बर्फ है, कितना मजा आ रहा है यहाँ पे, अरे मत पूछो मेरा एक्साइटमेंट, बहुत ही मजा आ रहा है यहाँ पे। पब्लिक अरे
देखो भाई हिमाचल प्रदेश। अरे ये क्या कर रहे हैं? कौन? यहाँ पे इतना ठंडी लग रहा, चाय बहुत ठंडी, मेरे को पता भी नहीं चला चाय से हाथ धो रहा हूँ मैं, इतना ठंडी है। -4 डिग्री टेम्परेचर, -4, 0 डिग्री पे बर्फ बन जाता है। हम लोग को इतनी ठंड लग रही, इतनी ठंड लग रही। बहुत ही बेहतरीन। हम लोग सिसु के लिए निकलने वाले हैं और खाना हो गया हमारा। फाइनली हम लोग सिसु पहुंच चुके हैं ना, और होटल में खाना भी खाया हम लोग ने। व्यू देख सकते हो आप सिसु का, और भी बहुत सारा व्यू दिखाता हूं मैं सिसु का ही। बर्फ से खेलता हूं, बड़ा आदमी हूं मैं, बर्फ से खेलूंगा। सिसु में हर जगह स्नोफॉल होता है, इसलिए रोड पे भी अपने को स्नोफॉल बर्फ देखने को मिलता है। अभी -7 है ना, अभी रात होते होते -9 डिग्री पे आने वाला है। -7 डिग्री। खाई एक बहुत बड़ा खाई है, बहुत गड्ढा है, बहुत डीपली है खाई। तो फाइनली हम लोग अभी निकल रहे हैं होटल की ओर, बिकॉज हम लोग को 40 किलोमीटर ट्रैवलिंग करना है इसीलिए। ये देख सकते हो आप सिसु का नजरिया, बहुत ही अच्छा है, ब्यूटीफुल, अमेजिंग कह सकते हैं इसको। हिमाचल प्रदेश घूमने में बहुत मज़ा आता है, बिकॉज मौसम बहुत अच्छा रहता है, हर जगह हर स्टेट से पीपल आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। तो बहुत ही मज़ा आया हम लोग को, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। ठंडी बहुत लग रहा था हम लोग को, तो रुके हुए हैं अभी, थोड़ा सा आग लगा हुआ था तो ठंडी लग रहा था, इसके लिए हम लोग बैठे हैं, आग ताप रहे हैं, मज़ा आ रहा है। सोलांग वैली में रुके हम लोग, सोलांग वैली, ये अभी सोलांग वैली में ही रुके हम लोग। देख ही रहे हो आप, बहुत ठंडी लग रहा है, सबको ठंडी लग रहा था, तो हम लोग बैठे हैं, चाय वाय पी रहे हैं सब। तो फाइनली हम लोग होटल पहुंच चुके हैं, एंड कल का प्लान है हमारा मणिकरण एंड कुल्लू मनाली। और ये हमारा बेहतरीन सा रूम जो स्टे करेंगे हम लोग, कल फिर निकलेंगे हम लोग सुबह। हम लोग अभी निकल चुके हैं कुल्लू मनाली एंड मणिकरण, दोनों विजिट करने वाले हैं आज हम लोग। मणिकरण के लिए निकल चुका हूं मैं अभी। इस टाइप का ब्रिज देखने को बहुत मिलेगा यहां पे। कुल्लू मनाली में दो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, एक राफ्टिंग होता है एंड पैराग्लाइडिंग भी बहुत देखने को मिलेगा। मॉल रोड से मणिकरण 80 किलोमीटर दूर है, तो हम लोग आज 80 किलोमीटर जाने वाले हैं बाइक से। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पैराग्लाइडिंग ऑलरेडी यहाँ पे हो रहा है, तो जिसको जिसको भी करना होगा पैराग्लाइडिंग, तो आप लोग कुल्लू मनाली में आके पैराग्लाइडिंग कर सकते हो इजीली। हम लोग भी अभी रुकेंगे यहीं पे कुल्लू मनाली में, फोटोज वगैरह लेने वाले हैं, तो हम लोग भी रुकेंगे क्योंकि व्यू, हम लोग यहीं पे रुके हैं अभी थोड़ा देर के लिए, फिर निकलेंगे। राफ्टिंग हो भी रहा है यहीं पे, देख सकते हो आप, हो रहा है ऑलरेडी यहाँ पे राफ्टिंग। एंड ये है कसोल, कसोल भी अमेजिंग है, मीन्स पहाड़ी इलाका है, घूमने में बहुत मजा आता है भाई। अब हम लोग मणिकरण की तरफ निकलने वाले हैं, मणिकरण। यस, हम लोग पहुंच गए मणिकरण। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है, बट यहाँ से जो पानी निकलता है वो गर्म पानी निकलता है, ये पानी गर्म है, बहुत गर्म पानी रहती है यहाँ। यहाँ पे एक गुरुद्वारे है जो बहुत फेमस है, मणिकरण उन्हीं के नाम पे फेमस है। पंजाब से बहुत सारे जगह से आदमी आते हैं यहाँ पे, मतलब विजिट करने, घूमने के लिए, बिकॉज
बाबा गुरु नानक जी यहाँ पे आए थे। यहाँ पे हॉट स्प्रिंग भी है, अभी हम लोग वहीं पे जा रहे हैं हॉट स्प्रिंग की तरफ। हॉट स्प्रिंग है नीचे में, गुरुद्वारे में ही है तो नीचे में है हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग ये है हॉट स्प्रिंग। यहाँ जो भी पानी है इसमें स्विमिंग पूल में, ये गर्म पानी है, ठंडा पानी नहीं है, क्योंकि बहुत ठंडा है यहाँ पे। मनाली में तो वैसे भी ठंडी है जनवरी दिसंबर में, बट ये पानी जो है गर्म पानी है, हॉट स्प्रिंग है। मैं तो नहीं नहाऊंगा भाई, इतना ठंडी में कौन नहाएगा बीमारी मारना पड़ जाऊँ। और ये व्यू ब्रिज के नीचे का बहुत ही शानदार व्यू। अभी हम लोग होटल जाएंगे मनाली, जो कि बहुत लंबा है, 80 किलोमीटर दूर है, और नाइट का राइड है। बोले तो रास्ता बहुत खतरनाक, बहुत ख़राब रास्ता है, जिग जैक वाला रास्ता है, तो थोड़ा सा डर रहे। कसोल का ट्रैफिक में हम लोग को 20 मिनट रुकना पड़ गया था। बोले तो वन वे टाइप का लगता है ना, इसके लिए बहुत ट्रैफिक हो गया था तो रुकना पड़ गया था हम लोग कसोल में। यह है कुल्लू मनाली, आई लव कुल्लू मनाली। और फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं मॉल रोड, 10 बज रहा है अभी, मॉल रोड पहुंच चुके हैं हम लोग। अभी यहीं से नियर बाई है होटल हमारा।